अब अगर मेजर बात करें तो दोनों बाइक्स में ना कर्व वेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 845 mm से 825 mm के आसपास, ये आपकी 780 mm के आसपास की सीट हाइट है। राइड पोस्चर में दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर हम सीटिंग देख रहे हैं, थोड़े से जो पैर है ना इस बाइक में आपके अपराइट ऊपर को आते हैं। ये जो आपका ट्राइंगल है ये बहुत वाइड बनता है, मतलब थोड़ा सा ना हैंडल बार ऊपर है। ऑल राइट पीपल, वेलकम बैक। तो आज हमारे पास है गोरिल्ला 450 और साथ में जो हमारी पुरानी वाली, जो अब पुरानी हो चुकी है, मतलब रॉयल इनफील्ड 450 हिमालयन जो ऑलरेडी न्यूली लॉन्च है, बट ये पुरानी हो चुकी है और थोड़ी सी बाइक ना मतलब ऑफ रोड ट्रेल करके आई है तो गंदी हो रखी है, प्लीज़ इग्नोर कर देना। बट दोनों बाइक्स के ना डिफरेंसेस की बात करते हैं अभी कि क्या डिफरेंस है। मेन जो चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, दोनों में सेम इंजन आपका आ रहा है, 450 सीसी शेरपा यहाँ भी है, 450 सीसी शेरपा यहाँ पे, तो ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। जो बाइक में डिफरेंसेस आपके आएंगे वो ऑर्गोनॉमिक्स को लेकर के आएंगे, आपका पॉस्चर आएगा, राइट ट्रायंगल आएगा, तो उसकी मेन बात करते हैं अभी कि क्या फ़र्क है। सबसे पहले अगर शुरुआत करें, आगे का जो टायर है ये आपको 120/70/17 मिल रहा है और ये वाला जो टायर है वो 90/90/21 का मिल रहा है। एक ये डिफरेंस है मेन। इसके बाद आपका जो डिस्क साइज़ है उसमें डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 320 mm का डिस्क है, यहाँ पे 310 mm का डिस्क है, इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पे आओगे थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो पीछे वाला जो टायर है हमारा इस बाइक का वो आपको मिलता है 140/80/17, बट इधर पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो हमारा टायर है वो आपको मिलता है 160/60/17 का टायर है पीछे का, ठीक है। अच्छी बात ये है कि दोनों में C8 के टायर है, बट ग्रिप्स में ना दोनों में फ़र्क है। अगर आप ये देखोगे कुछ C8 का रेडियल जो ग्रिप एक्सल आता था उसकी टाइप की ग्रिप है, और ये दोनों ही ऑल टेरेन टायर है। ये भी आपका ऑल टेरेन है, ये भी ऑल टेरेन है। अब अगर मेजर बात करें तो दोनों बाइक्स में ना कर्व वेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आपकी ऑलमोस्ट 196 kg के आसपास, और दूसरी तरफ अगर हम गोरिल्ला की बात करते हैं तो ये है 185 kg, मतलब दोनों बाइक्स में ना आपका 11 kg का डिफरेंस आ रहा है। और दूसरी बात अगर हम इसके सीट हाइट की बात करें तो ये वाली जो सीट हाइट है जो आपको एडजस्टेबल मिलती है 845 mm से 825 mm के आसपास, इधर अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 780 mm के आसपास की सीट हाइट है। और ये सीट ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप ये देखो, ये बहुत अच्छा कुशन है। थोड़ा सा स्वेट आ रहा है मेरे हाथ में, मार्क पड़ रहे होंगे, बट ये कुशन बहुत अच्छा है। बट इधर जो है ना रॉयल एनफील्ड ने थोड़ा सा पता नहीं कॉस्ट कटिंग किया है क्या किया, इतनी स्टिफ मतलब सीट है ना, इसको मैं अच्छा खासा राइड कर चुका हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल हो जाती है एक पॉइंट पे आगे ना, कि मतलब अच्छा खासा बम्स में पेन हो जाता है। अब अगर हम इसके बात करें इस बाइक के पॉस्चर की, तो यहाँ एक बार ना आपको राइड पॉस्चर में दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे अगर हम सीटिंग देख रहे हैं, थोड़े से जो पैर है ना इस बाइक में आपके अपराइट ऊपर को आते हैं और एंगल कुछ मतलब एग्रेसिव सॉर्ट ऑफ रोडस्टर वाला लुक है, एग्रेसिव फील है इस बाइक का। और ना आपको ये जो राइट ट्रायंगल है थोड़ा सा छोटा फील होता है, कि जिस जो आप पॉस्चर में जो राइड का एक ट्रायंगल बनता है प्रॉपर पैरों का और बॉडी का, और ये थोड़ा छोटा है। बट अगर आप यहाँ पे आते हैं रॉयल एनफील्ड 450 हिमालयन में, तो इधर पे जो आपका राइट ट्रायंगल है वो काफ़ी वाइड है। ये जो आपका ट्रायंगल है ये बहुत वाइड बनता है, मतलब थोड़ा सा ना हैंडल बार ऊपर है, पैर आपके थोड़े जेड पोजीशन में पीछे की तरफ आपके फुटरेस्ट का सीटिंग जाता है, और ये थोड़ा सा कंट्रोल जो है ऑफ रोडिंग और ऑन रोडिंग के हिसाब से मतलब थोड़ा सा ये डोमिनेट करता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। बट ऑब्वियसली दोनों का जो पर्पस है वो अलग है। ये आपकी सिटी प्लस थोड़ा बहुत टूरिंग के लिए दोनों वे में चल सकती है, और ये प्रॉपर ADV है ही हम जानते हैं। अब क्योंकि दोनों बाइक्स में जो इंजन है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मेन डिफरेंस की बात करते हैं। जो डिफरेंस है हमारा ये है ग्राउंड क्लियरेंस का। इस पर्टिकुलर मॉडल में हिमालयन में आपका ग्राउंड क्लियरेंस है 230 mm के आसपास, बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ आपका 169 mm का, इसको घटा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोनों की लेंथ की, तो लेंथ भी जो है गोरिल्ला की थोड़ी छोटी की गई है। तो इसकी जो प्रॉपर लेंथ है जो यहाँ से लेकर के पूरी बाइक की बन रही है वो है 2245 mm के आसपास, और इस बाइक की जो प्रॉपर लेंथ है जो थोड़ी सी छोटी की गई है हिमालयन के हिसाब से वो है 2090 mm के आसपास। अब ये जो विड्थ है, मतलब हैंडल बार से लेकर के जो विड्थ है जो ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हिमालयन की जो विड्थ है वो है आपकी 852 mm के आसपास, और जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी छोटी की गई है सिटी के लिए बनाने के लिए, जो कि है 833 mm के आसपास। ओवरऑल जो हाइट है इन दोनों की उसमें एक डिफरेंस है। इसकी जो ओवरऑल हाइट है 1316 mm के आसपास, और अगर इस बाइक की ओवरऑल हाइट की बात करें, ये भी छोटी की गई है, तो 1125 mm के आसपास है। तो इसका जो व्हील बेस है वो है 1440 के आसपास, 1440 mm, 1440, और ये जो है आपका 1510 mm के आसपास, मतलब 1510 mm के आसपास का व्हील बेस है। तो व्हील बेस का भी एक डिफरेंस है, वहाँ पे भी ये बाइक थोड़ी सी छोटी की गई है। तो जब तक आप दोनों बाइक्स में से कमेंट करके बता रहे हैं कि आपको कौन सी पसंद है, तब तक हम गोरिल्ला 450 की टेस्ट राइड लेके आते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं।
time before you go. Someday